हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज हम थोड़ा लेट उठे थे बिकॉज रात लेट सोए थे, दोस्तों के साथ लूडो शूडो चलती थी और वो आज वीकेंड था, हॉस्पिटल भी नहीं जाना था, इसलिए फुल ऑन लेट सोए, लेट उठे, नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अब तैयार शहर हो गए बिकॉज हमें जाना है, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेनी है वहाँ। तो मैंने सोचा आपको दिखाएँ कि हम कहाँ से लेते हैं और किधर जाने लगे हैं। सो अच्छा जी, तो हम जा रहे हैं आई के पास, उससे थोड़े से फ्रूट्स वगैरह लेने हैं। ये मुहतरमा ने जो है ना वो फ्रूट्स खाने हैं। तो आपको ना एक चाइना की अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, अच्छी भी है और बुरी भी है। वो इस तरह के इनके पास ना गाड़ियाँ पार्क करने को जगह नहीं है। ये देखें, ये रोडों के ऊपर जो है ना सारा कम्युनिटीज में रहते हैं, घरों में नहीं रहते, इसलिए उनके पास पार्किंग की जगह नहीं है। यस, और इनको जो है ना वो शामो शाम, ये देखें ये पार्किंग की जगह बनी हुई है और इनको जो है ना शामो शाम जो है पार्क करने के लिए जो है ना जगह ढूंढनी पड़ती है बेचारों को। सारा इतनी इतनी देर ये खपते रहते हैं। अगर इनकी गाड़ी ये पार्किंग स्लॉट्स के अंदर ना खड़ी हो तो इनको जो है ना सुबह सुबह जो है ना वो टिकट लग जाता है। पुलिस मैन आता है और इनकी गाड़ी के साथ जो है ना एक टिकट लगा जाता है जिसके अंदर उनका जुर्माना होता है। जुर्माना आई डोंट नो हो मच। और ये है हमारा हॉस्पिटल, इसके पास से हम गुजर रहे हैं। इधर से गुजर के हम उधर जाएंगे जो आई का बता रहे हैं। बेसिकली वो एक फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट है, हम लोग उसे पाकिस्तानी या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मंडी कहते हैं कि हम मंडी जा रहे हैं बिकॉज वहाँ पे वही समा होता है जो पाकिस्तान की फ्रूट और वेजिटेबल की जो मंडियाँ लगती हैं वो वाला सीन होता है। तो वहाँ चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये बैक व्यू है हमारे हॉस्पिटल का, यहाँ पर सारी वार्ड्स हैं और ये सेकेंड बिल्डिंग है जहाँ पर सारी वार्ड्स हैं, और दूसरी जो है वो पीछे जो आपको जहाँ पर लाइट्स नज़र आ रही हैं वो फर्स्ट बिल्डिंग है। मैंने सोचा आपको दिखाते चले अपने हॉस्पिटल का नाइट व्यू भी किसी दिन, और सुबह वाला भी। पूरे चाइना में गाड़ियाँ आपको ऐसी नजर आएंगी भाई। अच्छा जी, अब हम ना मार्केट पहुँच चुके हैं, आपको दिखाता हूँ मार्केट भी। ये देखें मार्केट आ गई है और ये हर चीज़, ये इनके चिकन वगैरह का कोई थोड़ा सा स्टॉल है। आई आई पूछ रही है कि भी आपको क्या चाहिए, तो आई हैरान हो रही है कि क्या हुआ है कि भी ये मोबाइल पे वीडियो क्यों बना रहे हैं। खैर हो, तो वो पूछ रही थी कि भी दूध चाहिए क्योंकि हम अक्सर इसे दूध ही लेने आते थे पहले। तो अभी जैनी जो है ना जाके सेब, उसने सेब लेने हैं। आई जो है ना अब हंस रही है कि ये क्या बना रहे हो। जैनी काफ़ी हैं तीन, तुमने कौन सा खाने होते हैं अच्छे से, ये तीन काफ़ी हैं, ये तेरे पास महीना ख़त्म नहीं होने। नहीं मैं खाऊंगी अब। हाँ खाऊंगी अब। ओ माय गॉड, अंगूर देखे। आई शमा वो कह रही है, कितना कह रही है जेनी, 8 ईमान का था और 5 का दिया ना उसने इस वाल। बहुत अच्छी आई है, खुद बखुद वो आई है। क्या डाल दिया उसको पता है कि भी माल्टे बहुत पसंद है। आई वही श्यांग चगा, आज मैं जी गन्ना खाऊंगा इनके पास। ये देखिए, ये तो अपने उधर जो है ना वो सूखा गन्ना जब हो जाता है हम उसको खाते, और ये काला गन्ना ये बहुत टेस्टी है, हम ये लेंगे। ये ना किलो के हिसाब से तोल के देते हैं, आधा किलो आता है 2.5 युआन का। अच्छा जी जो है ना मैं जरा उधर चला गया जैनी की बात सुने तो उसने पीछे से छील दिया, और अब ये देखें जी ये दे रहा है, ये बिल्कुल छील चुका है। होता 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 चिका खाई, चिका खाई, खाई 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 वो पूछ। ये देखें ये इस हवाले से हरामी है पूरा। फांगियो चाची शम्मा वपू शांग चगा, हरामी है इस हवाले से पूरा हरामी। आई हंस रही है और आई हीटर सेक रही है इधर, ये देखो जी बैठे हुए। बड़ी ठंडा, बड़ी ठंडा। आई ने इलेक्ट्रिक हीटर चलाया हुआ है और ये आई इतनी अमीर है माशाल्लाह, ये देखो। आई ने जो है ना एसी वगैरह भी लगाया हुआ है और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हाँ आई पूछिए कि पाकिस्तान में भी ठंड है अभी, मैंने देखा बहुत ज्यादा ठंड है। और ये आई साल बहुत ठंड है लेकिन फिर भी यही ज्यादा ठंड है क्योंकि ना ये पापा देखेंगे और फिर कहेंगे वादा बाबा शुआ था बाजी सितान हनलांग खेला वाशुआ
तो भाई जो भी हो, चाइना में बहुत ठंड है, ओके, पाकिस्तान में फिर भी ठंड कोई नहीं है। आप देखो यहाँ पे बहुत ठंड है, और हम ऐसे क्योंकि हमने ट्रैवल करना है तो बहुत बहुत ज्यादा ठंड होती है। और यहाँ पे यार हमारे वहाँ पे पाकिस्तान में ग्रे फ्रूट होता है, वो छोटा छोटा होता है, ये ग्रे फ्रूट है लेकिन ये बहुत बड़ा है, और मैंने आज ऑर्डर किया, ये कल आएगा तो मैं आपको दिखाऊं शायद कि इसके अंदर वो ग्रे फ्रूट होता है लेकिन ये बहुत बड़ा है, और सेम ग्रे फ्रूट होता है वो छोटे वाला ग्रे फ्रूट है। ये सारे किस्म के माल्टे हैं, पियर है, ये केले हैं, और ये छोटे छोटू, ये सबसे सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे चाइना में पसंद है, ये छोटे वाले ऑरेंजेस हैं, और ये मेरे बहुत बहुत फेवरेट हैं। ये मुझे इतने गन्ना ले लिया मैंने, गन्ना खाना नहीं है ना मैं खाती। और ये स्ट्रॉबेरीज हैं, और ये ड्यूरन जो वो फल होता है ना, ये उसके अंदर से है। आई चिगा मिंग्स शमा, चिगा मिंग्स शमा पोलोमी, ये ड्यूरन नहीं है, ये एक और चीज़ है यार। इतने डिफरेंट डिफरेंट किस्म के यहाँ पे फल आएंगे, दिखाएंगे आपको। चेरी देखें कितनी बड़ी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी है। नाशपाती है, अमरूद नहीं है। मेरा अमरूद खाने का बहुत दिल है लेकिन अमरूद नहीं है यहाँ पे। और ये सूखा जापानी फल है, थोड़े टाइम पहले जापानी फल था और ये सूखा जापानी फल है, ओके। तो बस अंशिल आपने सारा यही खाना है या बस तो आपको किसने खा था आप इतना सारा लें जो आपने अकेले ने खाना था? पाकिस्तान में ना इतने लंबे लंबे गने, ये देखिए यहाँ कितना लंबा है, ये 11-12 फुट का अंशित बोल रहे हैं ये गन्ना है। और बस ये लें जी। अच्छा जी, अभी जो है ना हमें जो है ना ये अब अपनी जो है ना तोहिन दिखा रही है, मतलब जो टिकटॉक पाकिस्तान में चलती है ना, यहाँ पे चाइना में तोहिन उसे कहते हैं। तो ये दिखा रही हैं कि भी ये आई आई भी फुल मजे उठा रही है टिकटॉक के भी। ये देखो, ये देखो इधर टिकटॉक का कमाल देखो, जो पाकिस्तान में टिकटॉकर बनाते हैं ना टिकटॉकर, और आई को देखो और ये इधर देखो आगे खुद ही समझ आना कि पाकिस्तानी टिकटॉकरों का क्या हाल है। खान प्योल यांग आई बड़ी खुश हो रही है। अच्छा जी, आपके चीज दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए हरामी क्या ये देखो, ये तस्वीरें वीडियो बना रहा है कभी ये आपने ना तोहिन बना रहे हैं। और बस अब हमने ले लिया अपने फ्रूट्स और जाने लगे हैं वापस। इंशेद का तो ये पूरा नहीं हो रहा है खाना पीना, पता नहीं इन्होंने पूरा जो गन्ना है ना यहीं पे खा के जाना है। बहुत ठंडा है, आप मेरे हुलिये से देख सकते हैं और मेरे हाथों से भी देख सकते हैं, नाक से देख सकते हैं, और हवा इतनी तेज चल रही है। जब हम निकले थे ना हवा नहीं थी, बहुत ठंडा है। अभी हमने वापस भी जाना है, कोई कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी? 1.5 किलोमीटर जाना है। लेकिन भाई ये जो ये बाइक है ना, इस पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो अब हम जाते हैं यूनिवर्सिटी, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।